हमारा देश एक कृषि प्राधान्य देश है। यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं और खेत पर ही निर्भर करते हैं। किसान अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार के साथ अपने खेत पर उतरता है। एक किसान के रिटायरमेंट के कोई उम्र नहीं होती। बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हर कोई अपनी हाथ बांटते हैं ताकि समय पर बीज बो सके, अन्यथा मौसम चले जाने का डर रहता है। मजदूरी ना मिलना और खेत में खर्चा ज्यादा और कमाई ना के बराबर हालत से युवा पीढ़ी खेती की ओर से अपना मुंह फेर लिए है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए माँ बेटी बहन और बीवियों को आगे आना ही पड़ा है ताकि खेती बच सके। उसी खेत से एक किसान परिवार साल भर के लिए अनाज इकट्ठा करता है और साथ में देश के लिए भी। अपने खेत में अनाज को पकते देखकर वो खिलखिला उठती है। उसके खेत सोना जो उगला है, उसके मेहनत रंग लाई है। पूरे देश के लिए अनाज पैदा करने वाली अन्नदात्री की वजह से ही ये संभव हुआ है। अगर फसल आमदनी करने से पहले साइक्लोन आ जाए, भयंकर बारिश गिरने लगे, बाढ़ आ जाए और पके हुए खेत पके हुए फसल नष्ट हो जाए, क्या बीतेगी उस परिवार के ऊपर। पूरे परिवार के मेहनत और जमा पूंजी जो किसान अपने खेत पर लगाया था, वो सब नष्ट हो चुका है। देश के जय जवान जय किसान का नारा सिर्फ राजनीति भर के लिए है और सत्ता पाने के लिए। अब नष्ट हो चुके खेत को साफ करने के लिए भी पैसों की और हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि नौकरी करने वालों के पगार हर दूसरे तीसरे साल में बढ़ जाती है, जबकि किसानों को हर दूसरे तीसरे साल में बार बार ऐसी नौबत का सामना करना पड़ रहा है और नुकसान सहना पड़ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि 75 साल के बूढ़े किसान का
नाम भी चन्न रुपया मिलने वाला भत्ता के लिस्ट में नहीं होता। किसानों की गिनती करने के लिए किसके पास वक्त है? इतने सब कुछ के बावजूद किसान कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुस्कुराते हुए बचे कुचे मुट्ठी भर फसल से वो खुश इसलिए है कि वो अगले साल के लिए बीज इकट्ठा कर लिया है। इस साल कामयाबी हासिल नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अगले साल वो जरूर कामयाब होगा, यही उम्मीद ही उसे जिंदा रखेगा। अन्य देश के किसान अपने पैरों पर खुद खड़ा होने के संघर्ष में कई सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन देश के भविष्य अन्नदात्री के ऊपर न्यस्त होते दिखाई दे रहा है।